किसी ने नहीं ली थी, उनकी सुध लेने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जो मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, उसके अंतर्गत सभी का विकास हो सके, समान रूप से आरक्षण का लाभ मिल सके, नौकरियों में इस बात का ख्याल रखा गया है, सबका आर्थिक विकास हो और वो स्वरोजगार की तरफ जो लघु उद्योग हैं उसकी तरफ आगे बढ़ सके, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत इस प्रकार के समाजों को सहायता देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। आज पूरे प्रदेश में जो आर्थिक उन्नति है वो हमारी 11 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था आज 22 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बन गई है। इस बात का परिचायक है कि उत्तर प्रदेश तेजी से बदल रहा है और इस पे हमारे सभी समाजों की सहभागिता है। खुशी है कि पूरे प्रदेश से बंजारा समाज के प्रमुख प्रतिनिधि यहाँ पर आए, उनके जो प्रमुख अलग अलग उनकी टोली के जो नेता हैं वो यहाँ पर आए हैं और उन्होंने अपने विचारों को रख के भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की घोषणा करी है और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि इतना बड़ा समाज जो पूरे प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों में रहता है, मुगलों का इन्होंने अत्याचार सहा, अंग्रेजों का अत्याचार इन्होंने सहा और इन्होंने अपनी संस्कृति को नहीं बदला, अपने धर्म को नहीं बदला और आज भी ये समाज जो है संघर्षशील रहता है। इसके उन्नयन के लिए, उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरा प्रयत्न किया और आगे भी करेगी। सर बागपत सर बंजार समाज की एक पहलवान था जिला स्तर पर, उसकी एक हत्या कर दी गई गोली मार करके। सर उसके परिजनों के लिए जो उनके फैमिली में बच्चे वगैरह हैं सर, उनकी कुछ सहायता के लिए प्रशासन से अभी तक कोई सहायता मिली नहीं है। उसको लिख के देंगे तो जरूर उस पर विचार करेंगे। शासन में कानून अपना काम करता है और कानून ठीक से काम करता है, इसलिए कोई भी किसी प्रकार को कानून में हाथ लेने की कानून को हाथ में लेने की कोशिश ना करें और सद्भाव बना रहे, सांप्रदायिक एकता रहे, जातीय एकता रहे, ये हर दल को कोशिश करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में पहली वाली स्थिति का नाम है कि 70-80% जगहों पर मतदान कर्फ्यू लग रहा है, वो स्थिति उत्तर प्रदेश में नहीं आने वाली। उत्तर प्रदेश में अब आपसी सौहार्द का वातावरण है और जातियों में एकता और समन्वय है, उसको तोड़ने का जो सपना लोग देख रहे हैं वो पूरा होने वाला नहीं है।